Hello everyone, a very warm welcome to Look Gorgeous. In this video, I'm going to be showing you the stuff which I have got for free being a YouTuber to review in the on my channel. And obviously my reviews are always honest, and yes, some of the products might be sponsored and most of them are not sponsored at all. I just got free stuff and I have to review them for you guys so that you can decide if you have you should buy the product or you should not buy the product. So before watching this video, please hit that like button. If you like to watch such kind of videos and also subscribe to my channel, click on the notification bell next to it so that you don't miss any of my new videos. So let's just start it. First of all, let me tell you that I have got these things mostly in the subscription boxes. So I definitely highly recommend you guys buy a subscription box because aapko bahut kam amount pay karke bahut zyada amount ka saman mil jata and सभी ब्रांडेड होते हैं और साथ के साथ मोस्टली जो है नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स होते हैं और बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली काइंड ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं. तो डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ. हमारे पास ये माई एनवी बॉक्स है, वैनिटी कास्क है, ग्लैमीगो है और लेडी रागा बैग है, देन वायलेट बॉक्स है. ये जो है जनरली मुझे मिलते हैं और भी बहुत सारे सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस अवेलेबल हैं. वायलेट बॉक्स जो है वो डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट है इफ़ यू कैन स्पेंड लाइक अराउंड 1000 रुपीज़ और समथिंग लाइक दैट. एंड ग्लैमीगो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 200, 300 या 400 रुपये तक में आपको मिल जाता है, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड मेनी पीपल बाय दैट फॉर दिस रीज़न ओनली. वैनिटी कास्क मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक लग्जरी स्किन केयर बॉक्स है जिसमें हाई एंड प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं और जो कि होता है 1000 रुपये से थोड़ा कम का, आई थिंक 900 रुपीज़ का. तो वैनिटी कास्क इज़ अ काइंड ऑफ क्लासी बैग, क्लासी बॉक्स विच इज़ परफेक्ट फॉर गिफ्टिंग एंड स्टफ लाइक दैट. लेडी रागा बैग जो है वो एक बैग के अंदर सामान आता है, 666 का आता है सिर्फ, वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज उसमें हमें एक मेकअप प्रोडक्ट भी मिलता है. और माई एनवी बॉक्स क्या है, बेसिकली सैम्पल्स वगैरह अगर आपको पसंद हो ना तो सैम्पल्स ट्राई करने के लिए बहुत अच्छा है. सैम्पल्स इसमें हमें ज़रूर मिलता है एंड कुछ एक यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी समटाइम्स मिल जाते हैं. लाइक अभी लास्ट मंथ में मुझे ये मिला था, सीरम मिला था कोकून का, विच इज़ अमेजिंग क्वालिटी. लाइक आई एम सो ग्लैड टू फाइंड दिस प्रोडक्ट. एंड ऑल्सो ये एक अच्छा सा ग्रीन वाला क्ले मास्क मिला था. तो कुछ चीज़ें यूजफुल भी मिलती हैं, कुछ सैम्पल्स भी मिलती हैं सो दैट यू कैन डिसाइड इफ यू वॉन्ट टू बाय दैट प्रोडक्ट इन फ्यूचर और नॉट. सो बेसिकली दिस इज़ अबाउट सब्सक्रिप्शन बॉक्सेज एंड बहुत सारे सब्सक्रिप्शन बॉक्सेज और भी इंडिया में अवेलेबल हैं. तो वीडियोस आती रहती हैं, यूट्यूब पे बहुत होती हैं, आप लोग डिसाइड कर सकते हो उन वीडियोस को देख के अगर आपके लिए वो प्रोडक्ट्स यूज़फुल हों तो आप बहुत सस्ते में उन प्रोडक्ट्स को ले सकते हो. तो अभी मैं जस्ट एक क्विक वाला गो थ्रू करूँगी इन सारे प्रोडक्ट्स से, एक ऑनेस्ट वाला हल्का सा आपको रिव्यू देती जाऊँगी. ये मोहा की फुट केयर क्रीम है, आयुर्वेदिक है, बहुत अच्छी है, एकदम अफोर्डेबल है, 100 कुछ रुपीज़ की है. ये नायका पे अवेलेबल है, ये किसी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में नहीं आई थी बट वैसे ही मैंने ली थी. ये बहुत अच्छा है और इसका फेस वॉश जो है वो भी हर्बल फेस वॉश है. इट्स अ वेरी गुड फेस वॉश, इट विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योर पिम्पल्स एंड स्टफ लाइक दैट. ऑल्सो इट इज़ वेरी अफोर्डेबल. देन हमारे पास यहाँ पे ला ब्लैंक फेस वॉश जो कि एक लग्जरियस हाई एंड वाइन फेस वॉश है, 500 रुपीज़ का है जो कि, तो ऐसे 500 रुपीज़ का सिर्फ एक ही फेस वॉश खरीदना इज़ नॉट दैट ईजी. एंड ऑल्सो ला ब्लैंक का यहाँ पे मेरे पास एप्रीकॉट का फेस स्क्रब है जो कि अगैन 500 रुपीज़ कुछ का है और इसको भी खरीदना इतना नहीं ईजी है, बट डेफिनेटली बोथ दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड. सिर्फ 1000 रुपये के ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं. अभी जो वायलेट बॉक्स चल रहा है जुलाई अगस्त 2017 एडिशन, उसमें ला ब्लैंक के दोनों प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे प्लस 7-8 और भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे. 1500 का एक परफ्यूम भी मिलेगा जो कि बहुत अच्छा है, उसमें बहुत कुछ है. तो वायलेट बॉक्स का जो वीडियो है मैं ऊपर लिंक छोड़ दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको वायलेट बॉक्स पर डिस्काउंट भी मिलेगा. और डेफिनेटली आप मेरा रिव्यू और उसका अनबॉक्सिंग वीडियो चेक कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए आपके लिए यूज़फुल है या नहीं. डेफिनेटली मेरी तरफ से वायलेट बॉक्स के लिए बिग थम्स अप फॉर इंट्रोड्यूसिंग अमेजिंग हाई क्वालिटी स्किन केयर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इन सच अ मिनिमम अमाउंट. सीरियसली इट्स वेरी गुड. ओके, देन इसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, मुझे VLCC का क्लेंजिंग मिल्क किसी बॉक्स में मिला था, लास्ट मंथ के हैं मोस्टली है. और यहाँ पर क्रोनो केयर का सिटी डिटॉक्स फेस वॉश है. दिस सिटी डिटॉक्स फेस वॉश इज़ वेरी लग्जरियस फेस वॉश. क्रोनो केयर के प्रोडक्ट्स बहुत लग्जरियस फील होते हैं स्किन पे, वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड बस बहुत अच्छे लगते हैं. आई एम नॉट अ पर्सन हु लाइक्स मॉइस्चर जनरली,
लाइक मेरी स्किन बहुत ऑयली है, दैट्स वाई. बट क्रोनो केयर के प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग. लाइक क्रोनो केयर जिस भी बॉक्स में मिले वो तो ले ही लो. देन ये लास्ट मंथ लेडी रागा बैग में ट्वैक का एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश था, पंप वाला, 500 कुछ रुपए का है, बहुत ही अच्छा है. यू कैन डेफिनेटली बाय दिस अलग से एज वेल. और ये वाला क्रोनो केयर वाला 395 का है, वर्थ द प्राइस. मैं अभी फ़िलहाल इतना यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये तो सिर्फ मेरे को जो फ्री फेस वॉशेज मिले हैं ये हैं, अदरवाइज आई हैव माई ओन एज वेल, तो मैं सभी यूज़ नहीं कर पाती हूँ. बट येस, दिस वन आई रियली लाइक. और ये भी बहुत अच्छा है, हर्बल फेस वॉश बहुत अच्छा है. ये सभी फेस वॉशेज अच्छे हैं. एक फेस वॉश से मुझे याद आया एग्जैक्टली राइट नाउ जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये झेलम का हनी ट्रैप फेस वॉश है जो कि बहुत कॉस्टली है, 500 का है. वेरी वेरी नेचुरल एंड अमेजिंग प्रोडक्ट, बहुत सूट करता है मेरे स्किन पे. इसका पूरा झेलम ब्रांड का रिव्यू मेरे चैनल पे आपको ज़रूर दिखाई दे जाएगा. देन यहाँ पे मेरे पास कुछ बॉडी वॉशेज हैं लेडी रागा बैग में. सब फर्स्ट सब्सक्रिप्शन बैग मेरे को किसी ने दिया था यही था, और उसमें बाय चांस मुझे ये मिला था वर्टिगो का शार जेल. तो बॉडी वॉशेज आई रियली लाइक बिकॉज दे आर समथिंग विच आर लाइक रियली यूजफुल. 1000 रुपये का है, वैसे लेना बहुत मुश्किल है. उस टाइम 666 के लेडी रागा बैग में मिला था, तो बहुत अच्छा है. लेकिन ये लाइक दिस इज समथिंग विच आई कैन थिंक ऑफ रीपरचेजिंग. ओके, और ये सेंट बोटानिका का शार जेल है, इस पर पूरा रिव्यू है. ये कंपनी की तरफ से आया था रिव्यू करने के लिए. तो ये अच्छा शार जेल है, 700 का लग्जरियस, और बहुत लंबे टाइम तक चलता है, ये सबसे अच्छी इसकी बात है. और देन यहाँ पे हमारे पास ये लेडी मैडेलिन का फुट क्लेंजर है, ये अभी वायलेट बॉक्स में ही मिला था, और इसका भी आई थिंक अच्छा कॉस्ट हो गया. मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दिस थिंग. 349 रुपीज़ का, अच्छी खासी क्वान्टिटी है, पैरों को साफ करेगा, अच्छे से पानी में डुबो के रखने हैं, ऐसा कुछ है. और इससे मुझे याद आता है वैदिक लाइन का पूरा 7-8 स्टेप वाला मैनीक्योर और पेडीक्योर वाला जो थेरेपी वाला ट्रीटमेंट है, ये वायलेट बॉक्स वालों ने अभी प्रोवाइड किया, तो ये भी आप अभी ही इस मंथ में अवेल कर सकते हो. बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं वायलेट बॉक्स में, तो मैं डेफिनेटली हमेशा रिकमेंड करती हूँ. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे यहाँ मोहा की फुट क्रीम हो गई, VLCC क्लेंजिंग मिल्क, ये सारे फेस वॉशेज, ये हो गया. यहाँ पर हमारे पास है ये एक छोटी सी कंपनी है नेचुरल कॉन्सेप्ट एलोवेरा जेल. नाम तो नेचुरल कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा पैराबिन वगैरह कुछ है इसमें, तो मैं बहुत हाईली रिकमेंड नहीं करती हूँ. बट प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 100 रुपये का एक इनका आता है, 80 से 100 रुपये का, और बहुत क्वांटिटी आती है. लेकिन ये एलोवेरा जेल में डिस्पाइट बींग इट हैविंग पैराबिन एंड स्टफ लाइक दैट, ये मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ये बिल्कुल भी स्किन को ऑयली नहीं बनाता, चिपचिपा नहीं बनाता, एंड इट्स रियली गुड. एंड सॉरी अबाउट माई नेल्स, मैं जस्ट टेस्ट कर रही थी, डीक्लटर कर रही थी अपने पुराने नेल पेंट्स को, सो दैट्स द रीज़न. एंड ये यहाँ पर वेट वाइप्स है, मदर स्पर्श के मिले थे. थोड़ा सा स्किन पे ऐसा लग सकता है कि हार्श है, बट अदरवाइज बहुत अच्छे से डीपली क्लीन करता है, तो मेरा मेकअप भी इससे बड़े अच्छे से साफ हो जाता है, सो दैट्स वाई आई लाइक इट. एंड यहाँ पर ये डीडी फ्लॉन्ट डीडी की SPF 50 वाली क्रीम लास्ट मंथ लेडी रागा बैग में मिली थी, 600 रुपये की, कुछ की 500 की है, तो इसके अंदर SPF काफ़ी ज़्यादा है, तो इट एक्ट्स एज अ नाइस सनस्क्रीन एंड एज अ प्राइमर. सर्दियों के लिए अच्छा है, मम्मा कहती है कि उनका जो फेस है काफ़ी चिपचिपा हो जाता है जब भी वो ये लगाती है, तो बट मेरे लिए ठीक है, मुझे पसंद आया. इन एनी केस सर्दियों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा. और ये मोहा का मॉइस्चराइजिंग लोशन है जो कि एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए, एंड आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, नेचुरल है, बहुत अच्छा है, और एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट है, और बहुत सस्ता भी है, 100 रुपये कुछ का आता है. देन ये यहाँ पर इनवेदा के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इनवेदा के प्रोडक्ट्स आई थिंक मुझे पिछले मंथ में वो वायलेट बॉक्स में मिले थे. दीज आर अमेजिंग, लाइक वो वायलेट बॉक्स तो बेस्ट था, अब फिलहाल ही नहीं मिल पाएगा. एक ग्रीन टी मेकअप रिमूवर है, क्लिंस करता है, टोनीफाई करता है और सूद करता है, एंड डेफिनेटली इट इज़ अमेजिंग, इतना लाइट वेट और इतना अच्छा है. ये मिले, यू कैन इफ गेट योर हैंड्स ऑन इट देन डेफिनेटली गो बाय दिस थिंग. ये बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर है, बहुत अच्छा वाला टोनर का काम करता है, इसमें ग्रीन टी भी है, एंड आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर द प्राइस टैग बट आई कैन नॉट फाइंड इट एनीवेयर. आई थिंक यहाँ पे 254 रुपीज़ के, सो इट्स अफोर्डेबल एज वेल, और क्वान्टिटी भी अच्छा है इसका. एंड ये एक नॉर्मल अच्छा मॉइस्चराइजर है, पपाया एंड हिबिस्कस. आई एम नॉट अ फैन ऑफ मॉइस्चराइजर एज आई सेड, बट दिस इज़ अ नाइस मॉइस्चराइजर, ग्रीजी नहीं बनाता है स्किन को, सो दैट्स अ गुड थिंग. बट इन एनी केस मैं यूज़ नहीं करती हूँ, माई मॉम लव्स दीज बॉडी लोशन एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो यूज़ कर लेती हैं. सैन बोटानिका वालों ने अंडर आई जेल भेजा था, इस पर कंप्लीट रिव्यू मेरे चैनल पे होगा, एंड इट इज़ अमेजिंग, ये बहुत अच्छा है. 600 रुपये का आई थिंक थोड़ा एक्सपेंसिव लगा लोगों को, बट बहुत लोगों ने ट्राई किया एंड एवरीवन लव्ड इट. इसमें विटामिन ई, आर्गन ऑयल, विटामिन B3, क्यूक्यूम्बर, एलोवेरा, बहुत कुछ अच्छा अच्छा सामान है. ठीक है, देन लेट्स मूव ऑन. एंड यहाँ पर एक क्रोनो केयर का
फ्लावर पार फेस टोनर जो कि बहुत अच्छा फेस टोनर, बहुत नेचुरल है, लग्जरियस फीलिंग देता है, 295 रुपीज़ का है। अगेन ये मुझे पहले वाले महीने में वायलट बॉक्स में मिला था, तो आई थिंक अब ये उसमें अवेलेबल नहीं होगा। ये झेलम का प्रोडक्ट है, गोल्ड रश फेस ऑयल, महंगा बहुत है, 2000 का, बट इफ़ यू कैन स्पेंड दिस मच देन डेफिनेटली गो फॉर दिस। बहुत ही नेचुरल लग्जरियस गोल्ड वाला ऑयल है, इसमें गोल्ड है और बहुत अच्छे नेचुरल अरोमा थेरेपी वाले प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर। एंड विद दैट सेट, झेलम के मैंने दो प्रोडक्ट्स आपको दिखा दिए, एक और मैं यहाँ दिखाती हूँ। ये झेलम की डिविनिटी फेस क्रीम है, 1000 रुपये की आती है, एकदम नेचुरल है, पिंपल्स विम्पल्स सब गायब, और बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग है, मेरी ऑयली स्किन है बट स्टिल आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट। ये एक अमेजिंग वाला नेचुरल लग्जरियस ब्रांड है झेलम का। एंड दी कोकून का सीरम तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बहुत अच्छा है, हाइड्रेटिंग है, काफ़ी अच्छा है। मेरा एक पूरा सीरम्स पे वीडियो है, बेस्ट अफोर्डेबल सीरम्स इन इंडिया, तो उसमें आपको इसका पूरा रिव्यू भी मिल जाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं अब हम, यहाँ पर है ये नीमली का बंगाल ग्राम बॉडी एक्सफोलिएटर, जिसमें बेसन की दाल चावल वगैरह ये सब था। ये मुझे ग्लैमिको के आई थिंक फर्स्ट बॉक्स में मिला था। यहाँ पर हमारे पास है नीमली का एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क, जो कि इस मंथ के ग्लैमिको बॉक्स में अवेलेबल है, और ये अच्छा है, नॉर्मल अच्छा फेस पैक है ये। और यहाँ पर इसके बाद है हमारे पास ये नेचर्स कंपनी नेचर्स को का वनीला क्रीम, वनीला वाला फेस क्रीम है ये, अच्छा नॉर्मल अच्छा क्रीम है, बहुत महंगा है तो ग्लैमिको बॉक्स में बहुत सस्ता पड़ेगा, सिर्फ 500 रुपये का है ये, तो दिस इज़ आई थिंक आई मीन कि बहुत महंगा है, 500 रुपये का है, बट ग्लैमिको बॉक्स सिर्फ 300-400 रुपये का पड़ता है, तो उसमें बहुत सही पड़ेगा। और मैंने कुछ दो लिप केयर प्रोडक्ट्स भी रखे हैं, नीमली का जो लिप स्क्रब है ये वो है, अच्छा है, नेचुरल सा अच्छा लिप स्क्रब है। देन ये मुझे बहुत पसंद है क्रोनो केयर का द फ्रिस्क क्रिस कूलिंग एक्सप्लोजन लिप बाम, बहुत ठंडा ठंडा वाला लिप बाम है। अगेन ये मुझे वायलट बॉक्स में मिला था, पहले वाले में, वायलट बॉक्स में बहुत ज़्यादा ही सामान मिलता है, ओके। एंड यहाँ पर ये एनवी बॉक्स में मिले थे कुछ सैम्पल्स हैं, मैं अभी तो खोले नहीं हैं, यूज़ नहीं कर पाई हूँ। सिट्रस बॉडी स्क्रब है ये, एनाटॉमिकल्स का बाहर का ब्रांड है, और ये वहाँ कोकोनट प्लस मैंगो बॉडी लोशन का सैम्पल है, और उसके पहले वाले कौन सा एनवी बॉक्स में मिला था ना, तो ये फॉरेस्ट एसेंशियल्स का कुमकुम आदि टीनेज नाइट क्रीम और डे क्रीम है, उसके सैम्पल्स हैं। वी कैन डेफिनेटली ट्राई दीज आउट एंड डिसाइड कि हमें लेना है नहीं, बिकॉज फॉरेस्ट एसेंशियल्स एक अच्छा नेचुरल लग्जरियस ब्रांड है, बहुत महंगा है, तो उसके पहले अगर सैम्पल्स मिल जाए ट्राई करने के लिए, तो इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग इफ़ यू वॉन्ट टू गेट दोज प्रोडक्ट्स और नॉट, ठीक है। अगर आप इन सैम्पल्स वाले प्रोडक्ट्स में से किसी पे रिव्यू चाहते हैं ना, देन डेफिनेटली लेट मी नो। अगर आपको इस पे वैदिक लाइन वाले इस पे रिव्यू चाहिए या किसी पे भी चाहिए, तो मुझे बताइएगा ज़रूर, अगर पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। यहाँ पर इंस्टेंट ग्लो यूथफुल वाला कोई इंस्टा शील्ड एंटी फोटोजेनिक फोटो एजिंग क्रीम है, एंटी एजिंग क्रीम है, ज़रा सा छोटा सा सैम्पल है बस, ईरा का है, ट्राई करके ही देख सकते हैं, और तो क्या, ये बहुत ही छोटा है, ये भी लास्ट मंथ किसी बॉक्स में मिला था। एंड ये एक सैम्पल टाइप का ही है, बट ये अच्छा है, ये वो है फेशियल वाला कुछ है, इससे पूरा फेशियल हो जाएगा, बाकी इससे पता चल जाएगा कि आपको ये प्रोडक्ट्स लेने हैं नहीं। बाहर का लग्जरियस ब्रांड है, लेना मुश्किल होता है इंडिया में, बट ये वाला जो है ये सैम्पल साइज़ है, 225 रुपीज़ का है, इसमें टोनर वोनर स्क्रब सब कुछ पैक वैक सब इंक्लूडेड है, दैट यू कैन हैव योर मिनी फेशियल अपने आप ही आराम से हो सकता है। ये वैनिटी कास्क में मुझे मिला था दो महीने पहले वाला, तो बहुत अच्छा है। एंड अब मैं हल्का सबको ये दिखा देती हूँ, यहाँ पे जो पड़ा है सामान, ये वोतरे का आफ्टर सन मिस्ट है, ये मिला था एनवी बॉक्स में, ये धूप से आने के बाद वापस आओ तो ये लगा लो, तो थोड़ा सन डैमेज जो है वो कम हो जाता है, ऐसा इस पर लिखा हुआ है, ट्राई मैंने नहीं किया है। ये भी मिला था शायद ग्लैमिको बॉक्स के लास्ट मंथ में, बायो ब्लूम का हैंड एंड बॉडी लोशन, अच्छा है, लेवेंडर वाला, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, सैम्पल साइज है बट बहुत अच्छा है, डेफिनेटली आई डोंट यूज़ हैंड क्रीम्स एंड स्टफ लाइक दैट, बट ये काफ़ी अच्छा था, लाइक ग्रीजी नहीं बनाता इतना है, रिमेंबर फॉर श्योर। एंड शार जेल है ये मैकेफिन का, सैम्पल साइज ही लग रहा है, ठीक है, कुछ खास इतना एक्सट्रीम अमेजिंग टाइप का नहीं है। और ये है हमारे पास रूट्स एंड हर्ब्स का, नॉर्मल है, अच्छा है, बहुत एक अमेजिंग मैं नहीं, अगेन नहीं बोलूँगी, बट हाँ द पावर ऑफ एंशियंट साइंस, और कुछ नेचुरल सा है तो मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं थोड़ी, तो दैट्स व्हाई आई लाइक इट। एंड ये मुझे बहुत पसंद आया, विश मुझे इसका बड़ा साइज़ वाला मिल जाए, ये ग्लैमिको वाले बॉक्स में सैम्पल साइज़ मिला था, क्रोनो केयर शावर जेल, बहुत लग्जरियस है, क्रोनो केयर के प्रोडक्ट्स बहुत क्रीमी और बहुत ही हाईली लग्जरियस टाइप के साउंड करते हैं। देन ये मिलते हैं वैनिटी कास्क में गलनेयर के प्रोडक्ट्स, ये है जेस्टी लेमन फेस एक्सफोलिएटर, अच्छा फेस एक्सफोलिएटर है, ड्राई स्क्रब वाला, लास्ट मंथ मिला था, गलनेयर का एलो प्लस विटामिन ई फेस क्रीम, लाइट वेट डे क्रीम, एंड इट इज़ अमेजिंग, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ की
बट डेफिनेटली मैंने इसे यूज़ किया है, ये मुझे बहुत पसंद है. लाइक दिस वन इज़ अमेजिंग. ये 2 महीने पुराने वाले बॉक्स में मिला था. ओके एंड ये प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे ही होते हैं बट वैनिटी कास्क बॉक्स में सस्ते पड़ जाते हैं. नेचर्स कंपनी का यहाँ पे एक तो मैंने बताया ये वाली क्रीम थी, अभी ये भी ग्लैमिगो बॉक्स में आई थी. और देन हमारे पास ये नेचर्स कंपनी का एक सैम्पल प्रोडक्ट है जो कि बहुत अच्छा है. क्यूक्यूम्बर वाला कूल क्यूक्यूम्बर बॉडी लोशन है. इस टाइप के बॉडी लोशन मुझे पसंद है बट स्टिल आई एम वेरी लेजी टू अप्लाई दीज. बट येस दिस वन इज़ डेफिनेटली नाइस. बहुत ठंडा ठंडा वाला और लाइट वेट सा वो है बॉडी लोशन, ये तो मुझे बहुत पसंद है. मूई नेचुरल्स वालों ने मुझे भेजा एंड डेफिनेटली दिस वन इज़ अ वेरी नाइस थिंग. आपको मेरे सीरम्स वाले वीडियो में मिल जाएंगे. दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल, 375 रुपीज़ का है. इंस्टा ग्लो फेस सीरम है. बहुत ज़्यादा ग्लो आता है चेहरे पे. बहुत नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी एनिमल टेस्टेड नहीं है और ऐसे नहीं है. इट्स रोल ऑन पैकेजिंग तो बहुत इजी भी है अप्लाई करने में. बायो ब्लूम का यहाँ पर हमारे पास फेस पैक है, एप्रिकॉट एलोवेरा वाला. एंड ये है आई थिंक 50 ग्राम प्रोडक्ट है ये. एंड ऑल्सो इसका प्राइस जो है, आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस, 500 रुपये का है इसका प्राइस. इनवेदा के 2-3 प्रोडक्ट्स मैंने आपको दो दिखा दिए. ये तीसरा ये है नाइट क्रीम, अच्छी है. रोज़ की फ्रेग्रेंस आती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है. और तो इनवेदा के प्रोडक्ट्स वैसे ही जनरली बहुत अच्छे हैं. एंड इनवेदा की बीबी क्रीम आपकी बार ग्लैमिगो बॉक्स में मिलेगी. फूशिया का ये है, अभी तक यूज़ नहीं किया बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस थिंग आउट. ये अच्छा है. ये आई थिंक मुझे गेस्टवर्ड बॉक्स में मिला था एंड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है. 100 ग्राम है, बहुत लग्जरियस सा है. ब्लूबेरी ब्लूम बाथ सॉल्ट. बाथ सॉल्ट बाथ टब्स इंडिया में कम ही मिलेंगे तो बट येस ये उसकी तरह यूज़ हो जाएगा लाइक पैरों में रखने के लिए पेडिक्योर के टाइम पे. और यहाँ पर ये कुछ 3 प्रोडक्ट्स आई थिंक रह गए हैं. तो ये है मुल्तानी मिट्टी का पैक, फुलर्स अर्थ वाला महंगा वाला पैक. नेचर्स को का सैम्पल साइज़ है उसका, डिलक्स सैम्पल. बहुत क्वांटिटी है बट ये. और ये वोत्रे का एडवांस जेल एक्सफोलिएटर है विच इज़ अमेजिंग. लाइक बहुत अच्छे से फेस वॉश और फेस एक्सफोलिएट हो जाता है. ये वैनिटी कास्क में मिलते हैं वोत्रे के प्रोडक्ट्स. और ये मल्टी वाइटामिन एंड रिजुविनेटिंग नाइट क्रीम का सैम्पल है, डिलक्स सैम्पल है. काफ़ी मिल जाता है और बहुत महंगी आती है, 2-3 हज़ार की क्रीम आती है. तो बहुत सही रहता है उसमें बॉक्स में लेने के लिए. आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द प्रोडक्ट्स. आई जस्ट गो थ्रू एक बार. बस मैं कैमरा घुमाने वाली हूँ यहाँ पे कि कुछ रह ना गया हो. सो बेसिकली दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप दैट यू गाइज लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डेफिनेटली गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल नेक्स्ट टू इट सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ द न्यू वीडियोज़. सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और वीडियोज़ देखते रहने के लिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम. गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड आई एम गोना सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगैन एंड आई लव यू गाइज सो मच. टेक केयर, लिव हेल्दी, लिव गॉर्जियस.